Hey guys, welcome back to my YouTube channel. तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं Is it 900 के बारे में। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना और हमारे चैनल को सपोर्ट करना यार, और वीडियो को लाइक करना। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर लेट हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि क्या क्या उसमें टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं और किस तरीके से हम अपने सर्टिफिकेशन एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो नो नीड टू वरी यार, अगर आप पहली बार आए हो या फिर फर्स्ट टाइम है आपका, अगर आप कुछ नहीं जानते हो, बेसिक भी नहीं जानते हो, तो यू कैन लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। ओके, तो आपको सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर देंगे, टर्म्स वगैरह दे देंगे, आप टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आपको टर्म्प लेना है तो वो चीज़ आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, आप वहाँ टेलीग्राम पे जुड़ जाना और हमें लिंक्डइन पे भी फॉलो कर लेना। अगर कोई भी डाउट होता है वहाँ पे आपको आप रीच आउट कर सकते हो मुझसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी लिंक्डइन आईडी है, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। ठीक है, हमारे चैनल पे ऐसे क्लिक करोगे तो हमारी लिंक्डइन आईडी मिल जाएगी आपको। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर लेट तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इज़ इट 900 जो होता है वो है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे इज़ इट 900 जो है हमारा, ये एक बेसिक लेवल एग्ज़ाम है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको पासिंग स्कोर जो है आपको 700 होता है। ठीक है, मीन्स आपको इसमें तो ज़्यादा लिख दिया है 800, बट आपको 700 होते हैं। ठीक है, और उसमें कुल मिला के आपको 45 to 49 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट। ओके, जिसे हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर फंडामेंटल इज इट 900, दिस इज अ बेसिक एंड फंडामेंटल सर्टिफिकेशन कोर्स। ठीक है, सर्टिफिकेशन यू कैन अप्लाई। ओके, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट दिया जाएगा क्लाउड के बारे में। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके बारे पास में, सैस क्या होता है, एस क्या होता है, पैस क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इन सब के बारे में क्या होता है। ठीक है, हमें किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, सारा चीज़ एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको बता दें इसमें क्या चीज़ें हैं, सेकंड पॉइंट में हमारा अंडरस्टैंडिंग कोर एज्योर सर्विसेज, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, एज्योर कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें कि सिक्योरिटी, प्राइवेसी, कंप्लायंसेज एंड ट्रस्ट, मीन्स इन सब चीज़ों के बारे में भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अंडरस्टैंड द एज्योर प्राइसिंग एंड सपोर्ट, क्या सपोर्ट करता है, उनकी क्या प्राइसिंग होती है। ठीक है, कितना सर्विस पे, मीन्स कितना चार्ज करती है एज्योर, ठीक है, अपनी सर्विसेज पे, तो सारी चीज़ें आपको वन टू वन सीखनी पड़ेंगी। और सीखना कैसे है, इफ़ यू वॉन्ट देन यू कैन लर्न फ्रॉम दिस जम्प्स। ओके, आपको आंसर एंड क्वेश्चन सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये ऑफिशियली है, लेकिन मैंने कहा कि आप लोग की हेल्प कर दिया जाए तो कोई बात नहीं है, आप लोग अपना इंजॉय करो, पढ़ो, क्रैक करो, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये डम्प्स की जो लिंक है मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाना, वहाँ पे आपको ये डम्प मिल जाएगा। ठीक है, और काफ़ी अच्छा है, ये बेसिक लेवल है। अगर आप लोग अभी नए नए जॉब में गए हैं तो आपको AZ 900 का बोला जाएगा करने के लिए, आप लोग उसको कर सकते हो। अगर हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें तो कैसे हम रजिस्टर्ड कर सकते हैं, ठीक है, उसमें हम कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो रजिस्ट्रेशन करने का ये है, सबसे पहले आपको microsoft.com certifications.com पे आ जाना है, microsoft certification.com। ठीक है, इस पर आ जाना है, उसके बाद आप ब्राउज सर्टिफिकेशन पे क्लिक करोगे। जैसे ब्राउज सर्टिफिकेशन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको AZ 900 टाइप करना होगा, फिर इसके बाद सर्च कर देना होगा। जैसे आप सर्च करेंगे तो इस पर आपको नहीं क्लिक करना है, आपको सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। ये चीज़, ये सिंबल आपका दिख रहा है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर इस पर आप कर दिए ना, तो आपको मे बी हो सकता है कि आपको सर्टिफिकेट ना मिले, आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए तो आप इस पर क्लिक करो इजिली। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे सारी सर्टिफिकेशन डिटेल्स के बारे में आपको बता दिए जाते हैं, क्या क्या इनके टर्म एंड कंडीशन हैं, आप कितने मतलब क्या क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, सारा चीज़ इन्होंने A to Z यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, क्या क्या चीज़ें आएंगी। आप मॉडल्स पेपर भी यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, हर चीज़ यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और अगर आपको यहाँ से ट्रेनिंग लेना है तो यहाँ से आप ट्रेनिंग ले सकते हो, स्टार्ट पे क्लिक करके आपको फंडामेंटल्स, डिस्क्राइब, क्लाउड कॉन्सेप्ट पे हो जाएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे शेड्यूल विद पियर्सन व्यू पे क्लिक कर देना होगा। जैसे इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह से या फिर आपको ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अथॉरिटी मिली हुई है तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के मेल वगैरह को यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी ईजिली। ठीक है, तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो अपने अकाउंट्स वगैरह को यहाँ पे लॉगिन वगैरह कर लेना, कैसे ही होता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, कंटिन्यू पे क्लिक करना,
तो यहाँ पे जैसे ही अपने कॉर्पोरेट या फिर जैसे आप लोग जॉब कर रहे हो ना, वहाँ वहाँ क्या ईमेल आईडी वगैरह डालोगे तो यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी पे करोगे तो आपको इस तरीके का बॉक्स मिल जाएगा, क्लेम बॉक्स मिल जाएगा। इसको क्लेम करके आप शेड्यूल एग्जाम पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे कि अगर आपकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट से अटैच्ड है तो आपको फ्री प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। अगर नहीं है तो आप लोग कंप्लीट कर लो वो ट्यूटोरियल्स वगैरह जो भी उनका है, जैसे आप कंप्लीट करते हो वैसे आपको कूपन कोड वगैरह वाउचर वगैरह मिल जाता है, ठीक है। तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी एग्ज़ाम है, इसको आप क्रैक कर सकते हो। हाँ, और यहाँ पे जैसे आपको होम पे देना है तो उस पर क्लिक करके ऑन वी ऑनलाइन एट दम एट माई होम और ऑफिस, ओके। तो यहाँ पे नेक्स्ट करना है, फिर इसके बाद यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, माइक्रोसॉफ्ट पॉलिसी नॉट डज नॉट अलाउ प्रीवियसली पास्ट एग्जाम टू बी चेकड, तो यहाँ पे मेरे से नहीं हो रहा है तो इसलिए इन्होंने अलाउ नहीं किया हुआ है, आप आगे जाके दो, ठीक है। तो मेरे से आगे नहीं, इसके आगे क्या होता है, इसके आगे आपको डेट वगैरह अपॉइंटमेंट डेट वगैरह रहेंगे, टाइमिंग रहेगी, उसको आप करके शेड्यूल एग्जाम कर दोगे तो आपको उस डेट को आपको फिक्स हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, प्रॉक्टर्ड पूरा होता है, प्रॉक्टर्ड बेस्ड होता है सारी चीज़ें, और उसको आप मीन्स आप अपने स्पेस को टेबल जहाँ पे आप बैठते हो सारी चीज़ें आप क्लीन रखो, कोई रूम में ना हो, रूम बंद रखो, हाई कनेक्टिविटी स्पीड हो, और वो सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे दिखाने के लिए, सारी चीज़ों को आप दिखाओ क्या कैसे, ठीक है, हर चीज़, ठीक है। अगर हम इसकी एक्चुअल प्राइस की बात करें तो ये 3,696 रुपीज़ की है, ठीक है। तो ये कंपनी में आओगे तभी तो अफोर्ड हो पाएगा, अगर आपके पास वाउचर्स वगैरह हैं तो आप लोग उसको ले सकते हो, नो नीड टू वरी। तो ये चीज़ें हैं इस एग्ज़ाम में, तो मैं आपको ये टर्म्स प्रोवाइड कर दूँगा, दिस इज़ वेरी बेनिफिट फॉर यू, ओके। बहुत ही हेल्पफुल है ये टर्म्स, तो मैंने कहा कि आप लोग के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि बहुत लोग परेशान रहते हैं, तो फिर मैंने कहा कि आप लोग को प्रोवाइड किया जाए, तो प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार अगर पढ़ लोगे ना अच्छे से तो आप क्रैक कर सकते हो, आप अच्छे से क्रैक कर सकते हो। और क्रैक करना ना तो मुझे लिंक्डइन पे टैग कर देना एक बार, इतना तो भाई को कर ही सकते हो। लिंक्डइन आईडी अगर नहीं है मैं अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर आते हैं, फिर अगर कोई भी डाउट होता है तो हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर देना, या फिर टेलीग्राम पे जुड़ के वहाँ पे डिस्कशन वगैरह कर लेना, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है तो हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे, नो नीड टू वरी। और अगर जॉब से रिलेटेड आपको कोई भी अपडेट्स चाहिए, या फिर कोई भी गाइडेंस चाहिए, या फिर कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और आप लोग के लिए अच्छे से वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करना, आगे तक शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तब तक मिलते हैं, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।